हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 8 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल चैप्टर नंबर 3 है, खनिज एवं संपदा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका दे रखा है यहाँ पर, जो कि अभ्यास प्रश्न से है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, खनिज किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे, वे वस्तुएं जो खोदकर धरातल से निकाली जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, लौह अयस्क, ये सही कर लीजिएगा, अयस्क, ठीक है। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा आपका है सीडेराइट। इन्हीं के माध्यम से इसका संशोधन करने के पश्चात हम इसको प्योर फॉर्म में लाते हैं। ये सब लोहे का आपका अयस्क होता है, और अयस्कों का जब सांद्रण किया जाता है, संशोधन किया जाता है, उस तत्पश्चात इसको हमें जो प्योर रूप में लोहा होता है वो प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में मैंगनीज के 2 सबसे प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो मैंगनीज हमें कहाँ प्राप्त होता है, भारत में किन राज्यों में प्राप्त होता है, उसके जो 2 प्रमुख राज्य हैं उसका नाम लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, एक तो आपका मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर का है, हमारे जीवन में एल्यूमिनियम धातु का क्या उपयोग है? उत्तर में लिखेंगे, हमारे जीवन में एल्यूमिनियम धातु के कई उपयोग हैं, जैसे कि बर्तन बनाने में, वायुयान में, विद्युत तार बनाने में, मशीनों के कल पुर्जे तथा वाहन के निर्माण में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला प्रश्न देखा है, प्रश्न नंबर का, खनिज पदार्थों को खाली स्थान है से खोदकर निकाला जाता है। तो आपने ऊपर ही पढ़ा, जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं उसको हम धरातल से खोदकर निकालते हैं। प्रश्न नंबर का है, बॉक्साइड खाली स्थान है, धातु का अयस्क है, किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। इसी एल्युमिनियम जो बॉक्साइड होता है, इस अयस्क से हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं, इसको शोधन करके उसके पश्चात हम एल्युमिनियम को निकालते हैं। प्रश्न नंबर का है, उच्च ताप की भट्टियों के निर्माण में खालिस्थान धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जो उच्च ताप की भट्टियाँ होती हैं, जैसे कि आपने मफल भट्टी, वात्या भट्टी या नाशपाती आकार की जो भट्टी बनती है, बेसेमर परिवर्तक भट्टी, इन सब में हम बॉक्साइट के धातु का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताप पर गलती नहीं है, अग्निशहत होती हैं। जिस प्रकार से हम अग्निशह ताप ईंटों का भी प्रयोग करते हैं वात्या भट्टी में, उसी प्रकार से बॉक्साइट धातु का भी इस्तेमाल किया जाता है उच्च ताप की भट्टियों के निर्माण में। प्रश्न नंबर का है, हीरा खाली स्थान है मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। तो हीरा आपने सुना होगा, हीरा पन्ना, तो हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना एक गांव जिला है आपका, वहां से प्राप्त किया जाता है हीरा। यहां पे खदानें होती हैं हीरा की, और खोद करके उनको निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पर सही जोड़े मिलाने हैं, जैसे कि इधर संगमरमर दे रखा है, यूरेनियम दे रखा है, सोना है, अभ्रक है। तो संगमरमर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यूरेनियम आंध्र प्रदेश है, इसकी राजधानी इस प्रेजेंट टाइम में अमरावती है, राजस्थान की राजधानी आप जानते हैं जयपुर। उसी प्रकार से सोना हमें प्राप्त होता है कर्नाटक, ठीक है, उसके बाद अभ्रक होता है झारखंड से। प्रश्न नंबर 4 है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, कोयला और अभ्रक धात्विक खनिज हैं। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो धात्विक होती है उसमें पहली बात तो चमकना चाहिए, ठीक है, उसको टकराने पर आवाज़ आनी चाहिए उसमें से, ये सब धातु के गुण होने चाहिए। तो आप कोयले को टकराओगे तो आवाज़ तो नहीं आएगी उसमें। दूसरी बात, अब क्या है कि इसको आप देखते हैं चमकता तो है नहीं, ये तो काला काला दिखता है। अभ्रक की बात करते हैं, तो अभ्रक एक आपका माइका, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है,
यह वृक जो होता है इसको हम इस्त्री जो होते हैं प्रेस होता है, प्रेस का जो नीचे वाला सतह होता है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हीट का बहुत ही अच्छा चालक होता है। इसमें जो उष्मा होती है बहुत तेज़ चलती है, इसलिए अब वृक का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, प्रेस में करते हैं। और ये आपका धातु नहीं होता, अधातु होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर घा है आपका यहाँ पे, सेंधा नमक धरातल की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तो सेंधा नमक का प्राप्त कहाँ से करते हैं हम लोग, सही बात है, ये धरातल की जो चट्टानें होती है वहाँ से हम प्राप्त करते हैं इसको। प्रश्न नंबर घा है, चांदी की खानें राजस्थान राज्य में हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, जो चांदी में प्राप्त होता है राजस्थान पे, जबकि में सोना मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में प्राप्त होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हमें सोना प्राप्त होता है, सॉरी हीरा प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर घा है, वायुयान निर्माण में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, वायुयान जो हम बनाते हैं तो वहाँ पे एल्युमिनियम धातु का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो हमारा वायुयान होता है कहीं ना कहीं आप देखते होंगे आकाश में उड़ता है तो वहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है, जिसकी वजह से ऐसा ऐसे हम धातु का इस्तेमाल करें जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सके, इसलिए हम एल्युमिनियम का वहाँ पे उपयोग करते हैं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।